Hello everyone, today we are going to discuss a topic of the public international law, that is diplomatic agents. Diplomatic agents का जो मतलब है वो ये है कि जब कोई भी कंट्री अपने एक तरह से लोगों को भेजती है दूसरे देश में रहने के लिए कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से हम हमारे देश के साथ और उन देश के साथ हमारे उस देश के साथ हमारे देश के जो रिलेशन है वो अच्छे मेंटेन हो सके, तो आप वहाँ पे जाके रहिए, उन लोगों से बातचीत करिए, उन लोगों का हमारे बारे में बताइए, आप अपने बारे में बताइए, उनके बारे में जानिए, वहाँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमें बताइए अगर जो आप बता सकते हैं। और जो एक फ्रेंड रिलेशन होता है दो कंट्री के बीच में वो एक तरह से डिक्लेयर करना है आपको, वो फ्रेंड रिलेशन मेंटेन करना है, तो ये होते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स। ये कभी कभी उस टाइम भी जाते हैं जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि सपोज़ मान लीजिए कि कोई चीज़ पे सर्वे करना है या फिर किसी चीज़ की रिपोर्ट लानी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन पर्सनली जाके बतानी है किसी भी हेड ऑफ़ द स्टेट को, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो हेड ऑफ़ द किसी भी हेड ऑफ़ द स्टेट को जाके बताना है कि ये जो आप एक्ट कर रहे हो ये सही नहीं है, इसमें आपको ये नहीं करना चाहिए, तो पर्सनली जाके बताना अगर किसी चीज़ को, तो वो डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। डिप्लोमेटिक एजेंट्स की अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो ये हैं पर्सन्स हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन स्टेट्स reside in the foreign countries as representative of their state. तो ये वो person होते हैं जो represent करते हैं खुद के state को किसी भी दूसरे state में जाके, और ये वहीं पर reside करते हैं, मतलब वहीं पर रहते हैं, इनको सारी रहने की व्यवस्था पूरी उसी country में दी भी जाती है, तो ये होते हैं diplomatic agents. तो diplomatic agents जब आप किसी भी country के बनना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको ये है कि credential होना चाहिए। credential का मतलब ये है कि एक letter of credence होता है जिससे आपकी एक्सेप्टेंस दी जाती है उस कंट्री द्वारा जिसमें आपको रखा जाएगा, जिसके आप जहाँ पे आपको रेजिडेंस मिलेगा, जिस कंट्री के आप डिप्लोमेटिक एजेंट बन रहे हो आपकी रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के लिए। रिप्रेजेंटेटिव कंट्री का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए इंडिया का कोई पर्सन है, तो इंडिया का पर्सन जब किसी कंट्री में जाएगा तो वो एज ए इंडिया का डिप्लोमेटिक एजेंट बन के जाएगा, और इंडिया का जब डिप्लोमेटिक एजेंट बन के जाएगा जब किसी भी दूसरी कंट्री में जाएगा तो वहाँ पे जो दूसरी कंट्री है उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ हम आपको एज ए डिप्लोमेटिक एजेंट इस कंट्री का रख लेते हैं, मान लेते हैं। तो उसके लिए जो लेटर ऑफ क्रेडेंस होता है, तो लेटर ऑफ क्रेडेंस वो डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सेप्टेंस दी जाती है किसी भी एक कंट्री द्वारा जहाँ पे जो डिप्लोमेटिक एजेंट रहेंगे, जहाँ पे वो रिसाइड करेंगे। अब ये जो डिप्लोमेटिक एजेंट है ये अगर हम बात करें तो ये बहुत पुराना पुरानी बातों में पुराने टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि अगर हम जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया के कॉन्सेप्ट लेके चलें, तो इंडिया में रामायण का जब टाइम था, जब रामायण लिखी गई तो उसमें ये बात भी लिखी है कि अंगद जाते हैं लंका में रावण के पास अपनी बात बताने, तो वो एज ए जो अंगद जा रहे थे, अंगद जो गए थे, तो वहाँ पे एज ए अंगद जो डिप्लोमेटिक एजेंट बन के गए थे, और वो एजेंट बन के गए थे राम के। तो यहाँ पे जो भी डिप्लोमेटिक एजेंट बनता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंट्री को, और वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को। तो इंडिया से अगर कोई भी डिप्लोमेटिक एजेंट होगा तो वो जैसे अभी करंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, तो उनको वो रिप्रेजेंट करेंगे जो भी अगर किसी भी दूसरी कंट्री में जाएंगे, और जाने के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडेंस होता है जो साइन करवाना होता है। ये जो डिप्लोमेटिक एजेंट है इसके लिए कन्वेंशन बनी हुई है, वो कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक एजेंट 1961 की एक कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन। उसके अकॉर्डिंग इसमें जो राइट्स और ड्यूटीज़ बता रखे हैं डिप्लोमेटिक एजेंट की, या फिर जो इम्यूनिटीज हैं या पावर्स हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स के, वो बता रखे हैं। इंडिया ने इसको एक एक्ट बनाया डिप्लोमेटिक रिलेशन वियना कन्वेंशन एक्ट 1972, उससे अडॉप्ट किया। ये जो आया ये 1961 की वियना कन्वेंशन थी डिप्लोमेटिक एजेंट के लिए, और फिर इंडिया ने इसको 1972 में एक एक्ट बना लिया और उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको एग्जीक्यूट कर लिया इंडिया ने। फिर आता है कि डिप्लोमेटिक एजेंट कितने टाइप के होते हैं। तो डिप्लोमेटिक एजेंट जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के, मेनली चार टाइप के होते थे, लेकिन एक जो वियना कन्वेंशन है तो 1880 से ये चलती आ रही थी, तो 1880 के टाइम में जो फोर्थ टाइप का जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते थे उनको हटा दिया गया। सिर्फ तीन तरह के डिप्लोमेटिक एजेंट यहाँ पे रखे गए। तो जो पहला डिप्लोमेटिक एजेंट है वो होता है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब यह है कि एक कोई भी पर्सन जो किसी भी दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा है किसी भी कंट्री में, और फिर उसको वही है कि आपको एक लेटर ऑफ क्रेडेंस जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो देना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस लेटर जो कंट्री देगी, जिस कंट्री में वो जाके डिसाइड करेगा,
और उसके पास जो है वो टाइटल होता है एक्सीलेंसी का, और वो प्रिविलेज और इम्यूनिटीज को इंजॉय कर सकता है रिसाइडिंग स्टेट की, जिस स्टेट में वो जाके रहेगा, जो फॉरेन कंट्री में वो जाके रहेगा। और ये फर्स्ट कैटेगरी के डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, और इनके पास कुछ राइट्स भी होते हैं और कुछ ड्यूटीज इम्यूनिटीज जो होती है वो सारी प्रोवाइड होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। और जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज मतलब जिनका भी कभी भी यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन का किसी भी कंट्री पे अगर राज रहा है पहले आज़ाद होने से पहले, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उससे पहले भारत के ऊपर राज था ब्रिटेन का। ऐसे अगर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, बांग्लादेश का एग्जाम्पल लें, तो ये सारे जो इलाके हैं ये सब बाद में आज़ाद हुए हैं, इनका पहले इनके ऊपर ब्रिटेन का ही राज था, तो ये सारी कॉमनवेल्थ कंट्री कहलाती है। वो सारे देश जिन पे ब्रिटेन का कभी राज रहा था वो कॉमनवेल्थ कंट्री है। तो अगर कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो एम्बेसडर है, तो वो हाई कमिश्नर कहलाएगा। तो कभी कभी आप देखते भी होंगे इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके, इंडिया हाई कमिश्नर टू यूएसए, इंडिया हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, इंडिया हाई कमिश्नर टू चाइना, या फिर पाकिस्तान के भेजेंगे तो वो भी हाई कमिश्नर नाम से उनको असिस्ट करेंगे। तो ऐसे ही चीज़ है कि इंडिया या फिर जो भी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो किसी भी एम्बेसडर को भेजेगी तो वो हाई कमिश्नर टर्म यूज़ करती हैं। दूसरी कैटेगरी के आते हैं, वो आते हैं मिनिस्टर, प्लानिंग पोटेंशियरी एंड एवोनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्लेनिपोटेंशियरी एवोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक दस नाम है, तो ये एक तरह के मिनिस्टर होते हैं जो सेकंड कैटेगरी के होते हैं, लेकिन इनको जो इम्यूनिटीज़ हैं, जो प्रिवलेजेस हैं, वो एज ए एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि एम्बेसडर हाई कमिश्नर वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्टेट को। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं स्टेट को, लेकिन उनको इतने अमाउंट के, इतने वो सारे जो प्रिवलेज और इम्यूनिटी है वो नहीं मिलती है। फिर आता है चार्ज डी अफेयर्स। चार्ज डी अफेयर्स का मतलब ये है कि ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और स्पेसिफिक काम के लिए आप फॉरेन कंट्री में भेजे जाते हैं, और ये थर्ड कैटेगरी होती है। और इनको जो इम्यूनिटी और प्रिविलेज मिलते हैं ये मिनिस्टर, प्लेनिपोटेंशियरी और जो एम्बेसडर है उससे भी कम मिलते हैं, मतलब ये सबसे लोएस्ट वाली जो कैटेगरी है वो वाली कैटेगरी है। और जो चौथी कैटेगरी है जो 1818 में इंक्लूड करी थी, लेकिन 1961 की जो कन्वेंशन थी ना उसमें उसको हटा दी गई थी, तो जो थी मिनिस्टर रेजिडेंट। तो मिनिस्टर रेजिडेंट होते थे जो 1818 में इंक्लूड किए थे लेकिन 1961 में हटा दिए थे। तो 1961 में टोटली मेनली तीन डिप्लोमेटिक जो टाइप्स हैं एजेंट्स के उनको लिया गया, एम्बेसडर जो कि हाई कमिश्नर होते हैं, या फिर मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी एवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और या फिर चार्ज डी अफेयर्स। जो एम्बेसडर है इसमें इंक्लूड करते हैं लीगेट्स। लीगेट्स का मतलब वो होता है जिन कंट्री में पोप होते हैं। पोप मतलब ये क्रिश्चियनिटी जो होते हैं, पोप क्रिश्चियन जो रिलीजन होता है वहाँ पर पोप होते हैं, तो वहाँ से अगर कोई ऐसे डिप्लोमेटिक एजेंट जाता है तो उसको लीगेट बोलते हैं। तो ये सिंपल चीज टर्म है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट के। डिप्लोमेटिक एजेंट अगर कोई बनाया जाता है तो उसके क्या क्या फंक्शन है। तो उसका पहला फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन। वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा जिस भी कंट्री का वो जा रहा है, और रिप्रेजेंट एज ए हेड ऑफ द स्टेट होता है वो, क्योंकि हर जगह हेड ऑफ द स्टेट नहीं जा सकता। हेड ऑफ द स्टेट मतलब जैसे इंडिया में हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है, इंडिया स्टेट का वर्ड यहाँ पे एज अ कंट्री यूज हुआ है इंटरनेशनल लॉ में, तो इंडिया का हेड जो होता है वो है प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट। तो एक इनका काम होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा काम होता है प्रोटेक्शन। ये क्या करते हैं, जिस स्टेट से ये भेजे जा रहे हैं और जिस स्टेट में ये भेजे जा रहे हैं, एक तो रिप्रेजेंटिंग स्टेट और एक जो रिसीविंग स्टेट है, सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट जो है वो दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके इंटरेस्ट को ब्रीच करें और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, या फिर हमारे इंटरेस्ट को ब्रीच करके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। फिर तीसरा काम आता है ये नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन का मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेंडिंग स्टेट के या फिर रिसीविंग स्टेट के, उनसे उनमें नेगोशिएट करना है, उनसे मेंटेन करने हैं फ्रेंडली रिलेशन। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है भेजा जा रहा है, डिप्लोमेटिक एजेंट भेजा जा रहा है, तो उसको नेगोशिएट करके चलना है कि जिससे जो फ्रेंडली रिलेशन है दो कंट्रीज में, सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट, उन दोनों में रिलेशन बनते रहे। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। ये क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके एक रिपोर्ट बनाते हैं रिसीविंग स्टेट की, कि रिसीविंग स्टेट में जब इनको जब ये लेटर ऑफ क्रेडेंस मिल जाता है तो एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक्सेप्ट होने के बाद ये रिसीविंग स्टेट जाते हैं। रिसीविंग स्टेट में वहाँ की जो एक्टिविटीज होती है उनको ऑब्जर्व करते हैं, और उनको ऑब्जर्व करने के बाद ये रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट ये जो सेंडिंग स्टेट होता है, रिप्रेजेंटेटिव जिस स्टेट के होते हैं उसमें भेजते हैं।
फिर आता है प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस। ये क्या करते हैं, फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करने का काम होता है। एक देश से दूसरे देश की जब भी कोई सहायता की जरूरत पड़े तो ये एक दूसरे के साथ काम कर सके, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के एकजुट होकर काम कर सके, उन दोनों के फ्रेंड रिलेशन हो सके। तो ये फंक्शन होते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट के। अब डिप्लोमेटिक एजेंट के साथ इसमें इनके स्टाफ मेंबर्स भी होंगे। स्टाफ मेंबर्स का मतलब ये है कि वो लोग जो इनके साथ काम करने जाएंगे। तो डिप्लोमेटिक एजेंट के स्टाफ मेंबर में आते हैं डिप्लोमेटिक स्टाफ्स। तो डिप्लोमेटिक स्टाफ में मेनली इंक्लूड होंगे कि वो लोग जो इनके जो नेवल मिलिट्री एयरफोर्स वाले जो लोग हैं, जो इनका ट्रैवलिंग वाला जो सीन है उसमें जो लोग काम आ रहे हैं, तो वो एक तरह से डिप्लोमेटिक स्टाफ हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल स्टाफ में वो लोग आ जाएंगे जो इनके जैसे क्लर्क हुए, अकाउंटेंट्स हुए, या फिर कोई भी जो ऑफिस वर्क संभाल रहे हैं। फिर है ऑर्डिनरी स्टाफ। ऑर्डिनरी स्टाफ मतलब ऐसे कि कोई ड्राइवर है, कोरियर मैन है, डोर मैन है, जनरेटर्स है, हाउसकीपर्स है, जो इनके खाना वगैरह का बनाने का ध्यान रखें, वो सारे लोग। और चौथा आता है प्राइवेट सर्वेंट। अगर ये चाहें तो प्राइवेट सर्वेंट भी ले जा सकते हैं डोमेस्टिक कंट्री के, मतलब जिस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसी कंट्री से ये प्राइवेट सर्वेंट भी रख सकते हैं। फिर इसमें ये बात आती है कि जो इम्यूनिटी दी जाती है वो क्यों दी जाए, या फिर कोई भी प्रिविलेज दिया जा रहा है डिप्लोमेटिक एजेंट को, क्योंकि यहाँ पर प्रिविलेज देना, इम्यूनिटी देना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी दूसरी कंट्री के होते हैं और उनको ऐसा फील फ्री कराना होता है कि ये एज ए सिर्फ अपनी ही कंट्री में रह रहे हैं। तो ऐसा फील कराने के लिए इनको ये सारी जो प्रिविलेज हैं ये सारी दी जाती है। अब इनको जो प्रिविलेज वगैरह ये जो सारी चीज़ें क्यों दी जाती हैं, तो उसके लिए तीन यहाँ पे थ्योरीज बता रखी हैं। पहली थ्योरी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी बात करती है, ये ह्यूगो ग्रोटियस जो है उन्होंने इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था। इस थ्योरी में बात करी है कि जब डिप्लोमेटिक एजेंट जो होते हैं वो क्या है कि दूसरी कंट्री में जाके रहने लगते हैं, रिजाइड करते हैं, तो वो एक तरह से फिजिकली वहाँ पे जाके प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जब फिजिकली वहाँ पे जाके प्रेजेंट हो रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी है उस कंट्री की, उसको ये प्रोटेक्ट करें, उनको ऐसा फील करवाएं कि यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक केस आता है, वो केस है एक्स पार्टे पेट्रोफ केस 1971 का। इसमें ये हुआ था कि दो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन थे, उन्होंने रशियन की जो चांसलरी थी कैनवेरा, कैनवेरा एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ही, तो उन्होंने रशियन चांसलरी पे वहाँ पे जाके उन्होंने अटैक करा। तो रशिया वाले बोले कि भैया यहाँ पे उन्होंने हमारी जो टेरिटरी है एक तरह से इस पर अटैक किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेरिटरी में बात ये हो रही है कि आपकी जो टेरिटरी है वो दूसरी कंट्री में जो आपको जहाँ एम्बेसी दे रखी है वो भी आपकी टेरिटरी मानी जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने रशिया की एम्बेसी पर अटैक करा है ऑस्ट्रेलियन लोगों ने। तो ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं कि हम इनको पनिश कर देंगे, लेकिन रशिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं, इन्होंने हमारी जो एम्बेसी इस पर अटैक किया है तो ये हमारे, हमको पनिश करने का अधिकार है, हमारे पास ज्यूरिडिक्शन है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले इन्होंने उनकी बात नहीं मानी और कोर्ट, ये जब कोई आगे गया तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद बात ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया कोर्ट इनको प्रोसिक्यूट अगर कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया कोर्ट इनको कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी थी ये एक तरह से फेल मानी गई, ये फेल हो गई, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी में आपने बोला कि वो टेरिटरी हमारी है, लेकिन वो जो आपकी टेरिटरी में ऑफेंस कर रहे हैं उनको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो टेरिटरी है वो आपकी तरह से नहीं है। फिर दूसरी थ्योरी है रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी को हम एक तरह से फिक्शनल थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि फिक्शनल थ्योरी का ये है कि आप इसमें मान के चल रहे हो कि वो जो उस देश में टेरिटरी है वो भी आपकी है, एक तरह से फिक्शन हो गया उस टेरिटरी के लिए। फिर दूसरी थ्योरी है रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। तो रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी में बात करी है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक स्टेट के हेड को। सपोज मान लीजिए अगर इंडिया से कोई लोग जा रहे हैं तो वो इंडिया के हेड जो रामनाथ कोविंद जी हैं, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के, सॉरी, उनको ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी वाला काम कर रही है। फिर इसमें बात आती है तीसरी थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी का मतलब ये है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो होते हैं वो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, और जब उनका फंक्शन पूरा हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन पे, फंक्शन जब तक इनका जो परफॉर्म होता है तब तक इनको इम्यूनिटी दी जानी चाहिए, उसके बाद इम्यूनिटी देने की जरूरत नहीं है, और फंक्शन एंड होने के बाद इम्यूनिटी की जरूरत होती भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर रहेंगे ही नहीं, क्योंकि काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें यही बात करिए फंक्शनल थ्योरी जो है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक्ट होते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए लोग को जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स उनको अपॉइंट किया जाता है और वो उनके बिहाफ पे जाके फंक्शन कर देते हैं। तो ये फंक्शनल थ्योरी की बात है। फिर अगर हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो आगे बात आती है,
कि इम्यूनिटीज़ क्या क्या मिलती हैं किसी भी डिप्लोमेटिक एजेंट को। तो इम्यूनिटीज़ के लिए अब हम पहली इम्यूनिटीज़ बात करते हैं, इनवायबिलिटी ऑफ पर्सन। इसका मतलब ये है, ये जो जितनी भी इम्यूनिटीज़ हैं ये सारी जो वियना कन्वेंशन बनी बड़ी 1961 की डिप्लोमेटिक एजेंट्स के लिए, उसमें सबों में आर्टिकल्स मेंशन है और आर्टिकल्स में बता रखा है कि कौन कौन सी इम्यूनिटीज दी जानी है। तो आर्टिकल जो है यहाँ पे 29 है वियना कन्वेंशन का, वो ये बात करता है इनवायबिलिटी ऑफ पर्सन। देखो जो डिप्लोमेटिक एजेंट है ये ना तो डिटेन हो सकते हैं ना अरेस्ट हो सकते हैं उस कंट्री में जिस कंट्री में ये रह रहे हैं, जिस कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, जिस जो भी इनकी रिसीविंग कंट्री है उसमें ये अरेस्ट नहीं कर सकते, ये एक तरह से फ्री पर्सन है। फिर दूसरा है इसमें इनवायबिलिटी ऑफ प्रमाइसिस, कि जो भी पर्सन है उस कंट्री में जो भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिप्लोमेटिक एजेंट जहाँ रह रहे हैं तो उनके जो प्रमाइसिस है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पे नहीं जा सकता, कोई भी जो वहाँ के जो सिटीजन हैं या फिर कोई भी जनरल लोग हैं या फिर ऑफिसर्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो डिप्लोमेटिक एजेंट्स के प्रमाइसिस में जाएं। फिर इसमें आगे बात करिए जो तीसरी यूनिटी है वो है कि लोकल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, वहाँ का जो भी लोकल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है उससे ये फ्री रहते हैं, इनको इम्यूनिटी मिलती है कि आप वहाँ के कोई भी लोकल कोर्ट या ज्यूरिसडिक्शन में नहीं जाएं। इसमें एक केस है हरभजन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का। इस केस में बात हुई थी कि हरभजन सिंह एक प्लम्बर था और उसको एक एम्बेसी थी, उसका अल्जीरियन एम्बेसी के जो खराबी आ गई थी वहाँ पे बिल्डिंग में, तो उस बिल्डिंग का काम सही करने के लिए गया तो अल्जीरियन एम्बेसी ने उसका पेमेंट नहीं किया, तो उसने बोला कि ये मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के उसने कोर्ट में केस किया। तो फिर कोर्ट में केस जाने के बाद अल्जीरियन एम्बेसी के ऊपर बताया गया कि ये आपने जो करवाया है जो भी सही करवाया है अगर आपने नहीं किया है तो ये हमारे सिटीजन का राइट ब्रीच कर रहा है और अगर आप यहाँ पे जाते हैं आपको इम्यूनिटी दें तो ऐसा नहीं होगा, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो लोकल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन में एक तो क्रिमिनल और सिविल दो तरह की इम्यूनिटी है, तो सिविल ज्यूरिसडिक्शन से भी इम्यूनिटी है और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन से भी इम्यूनिटी है। फिर आगे इसमें बात करें इम्यूनिटी फ्रॉम टैक्स कस्टम्स ड्यूटी एंड एटसेट्रा, कोई भी टैक्स या कस्टम ड्यूटी जो भी पेमेंट होती है उस कंट्री में तो उस कंट्री में जो डिप्लोमेटिक एजेंट है उसको पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट एज अ विटनेस, अगर कोई भी केस में उसको विटनेस बना के ले जाना चाहता है कोई भी पर्सन तो डिप्लोमेटिक एजेंट को एज ए विटनेस भी आप नहीं बना सकते और ये उसकी एक इम्यूनिटी है। फिर अगली इम्यूनिटी इम्यूनिटी फ्रॉम पुलिस रूल, पुलिस रूल का मतलब है कि कोई भी इम्पोज कर सकती है, कोई भी रूल उस पर इम्पोज नहीं होगा, कोई भी पुलिस रूल इम्पोज नहीं कर सकती है रिसीविंग स्टेट डिप्लोमेटिक एजेंट पर। फिर इसमें बात आ रही है कि इम्यूनिटी फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ द बैगेज, कि अगर कोई भी सामान रखा हुआ है डिप्लोमेटिक एजेंट का उसके बैग में कहीं भी उसके रूम में तो वो इंस्पेक्शन नहीं किया जा सकता रिसीविंग स्टेट के द्वारा। फिर इसमें बात आती है इम्यूनिटी फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन ऑफ द रिसीविंग स्टेट, कि कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन बने हुए हैं तो उनसे भी इम्यूनिटी मिलेगी, उनसे भी प्रोटेक्शन मिलेगी। फिर इसमें ड्यूटीज आती हैं, जो डिप्लोमेटिक एजेंट है कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो उसकी ड्यूटी ये है कि वो रिस्पेक्ट करेगा लॉ और जो भी रेगुलेशन है उस कंट्री के जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है। फिर इसमें यह है कि वो जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं किसी भी कंट्री के जो जिसमें रिसीविंग स्टेट के जो भी इंटरनल अफेयर्स है उसमें वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर तीसरा आता है इसमें उसकी जो ड्यूटी है वो जो ड्यूटी होगी वो एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ जो मिनिस्ट्री है उससे डिटरमाइन होगी और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। फिर इसमें अगली जो ड्यूटी है वो ये है कि वो जो भी काम कर रहा है डिप्लोमेटिक एजेंट उसके प्रमाइसिस में वो उसके फंक्शन जो उसके डिफाइन फंक्शन है उसको जिस कंट्री ने भेजा है उस कंट्री के जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए। फिर डिप्लोमेटिक जो पर्सन है वो ऐसा भी नहीं कर सकता है कि वो कॉमर्शियल बिजनेस शुरू कर दे उस कंट्री में जहाँ पे वो रिसीविंग कंट्री है उस कंट्री में वो जाके रह रहा है और उसमें कोई कॉमर्शियल है कोई ट्रेड या कोई ऐसा काम शुरू कर दे या फिर कोई प्रॉफिट अर्निंग वाला काम वो शुरू नहीं कर सकता। और जितनी भी ये ड्यूटीज़ हैं ये आर्टिकल 41 और 42 के अंडर में दे रखी है डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो हैं सेक्शन डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है कन्वेंशन जो बना हुआ है 1961 का उसमें। फिर इसमें आते हैं काउंसिल्स, तो काउंसिल्स जो है वो एक तरह से लोग होते हैं जो ट्रेड और कॉमर्स को डील करते हैं किसी भी दो स्टेट के बीच में। तो अगर कोई भी पर्सन जो लुक आफ्टर कर रहा है कॉमर्शियल और ट्रेड एक्टिविटीज़ वो काउंसिल होता है। और इसमें ये क्या है कि एक तरह से अपॉइंट भी होते हैं तो ये हेड ऑफ द स्टेट ही अपॉइंट करता है और इनको एक परमिशन और लेटर जो है वो भी जैसे वहाँ पे लेटर ऑफ क्रीडेंस है डिप्लोमेटिक एजेंट को वैसे काउंसिल्स को भी जो काउंसिल्स होते हैं उनको भी एक लेटर ऑफ
मिलता है, लेटर मिलता है परमिशन का कि आप वो ऐसा कर सकते हैं, और ये वहाँ की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो काउंसिल्स होते हैं। फिर इसमें चार कैटेगरी भी बता रखी, काउंसिल जनरल होते हैं, एक नॉर्मल काउंसिल होते हैं, काउंसिल वाइस काउंसिल होते हैं, और काउंसिल एजेंट होते हैं। तो ये एक तरह हायरार्की की, सबसे ऊपर काउंसिल जनरल, फिर काउंसिल, फिर वाइस काउंसिल, फिर काउंसिल एजेंट्स। फिर ये है कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स की जो इम्यूनिटीज होती है, या फिर डिप्लोमेटिक मिशन जो है, वो काम है जो काम करने लिए वो गए हैं, वो कब खत्म हो जाएगा, कब मानेंगे खत्म। तो वो मानेंगे कि जब या तो डेथ हो जाए डिप्लोमेटिक एजेंट की, अगर डेथ हो जाती है, या फिर ये है कि जो जिस कंट्री ने भेजा था वो रिकॉल कर ले, रिकॉल एनओवर। एनओवर का मतलब ये है कि जिस कंट्री ने आपको भेजा है उस कंट्री ने आपको वापस बुला लिया कि आपका जो आप काम कर रहे हो उस समय या तो सेटिस्फाई नहीं है, या फिर आपने जो काम किया अब उस काम की हमें आगे जरूरत नहीं है जिस काम के लिए आपको भेजा गया था। फिर है कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रिसीविंग स्टेट, अगर जिस स्टेट ने रिसीव किया हुआ है, जिसने लेटर ऑफ क्रीडेंस दिया था, वो ही बोल देता है कि आप मुझे नहीं रखना है इस पर्सन को एज ए यहाँ पे, तो आप इसको आप वापस बुला लीजिए, और वो उस पर्सन को जो डिप्लोमेटिक एजेंट था उनको भी नोटिस दे रहे हैं कि आप इतने दिन के अंदर अंदर हमारी कंट्री को छोड़ दीजिए। फिर है कि वाई नोटिफिकेशन, अगर आर्टिकल 43 बात करता है इस वियना कन्वेंशन का, कि अगर कोई नोटिफिकेशन मिल जाता है रिसीविंग कंट्री के द्वारा कि आपको डिप्लोमेटिक एजेंट्स हटाया जा रहा है, या फिर आप नहीं सकते हमारी कंट्री में, वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, तो उसमें भी आपकी जो डिप्लोमेटिक एजेंट मिशन है वो खत्म हो जाएगा। फिर है नॉन पर्सन परसोना नॉन ग्रेशा, परसोना नॉन ग्रेशा का मतलब ये होता है कि जब डिप्लोमेटिक एजेंट को आपने किसी कंट्री में भेजा है, लेकिन रिसीविंग स्टेट जो है उसको लगता है कि इसका ऑब्जेक्ट पूरा हो चुका है, तो ऑब्जेक्ट पूरा होने के बाद वो बोल देते हैं कि आप अब जाइए, तो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट भी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा आपकी जो कंट्री, जो सेंडिंग कंट्री होती है। फिर है बाय डिलीवरी ऑफ पासपोर्ट, अगर आपने जो आपके पासपोर्ट हैं वो भी डिलीवर कर दिए जाते हैं किसी पर्सन, तो किसी पर्सन को, मतलब यहाँ पे ये है कि रिसीविंग स्टेट थिंक दैट द डिप्लोमेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी विच इज इनकंसिस्टेंट विथ हिज ड्यूटी, अगर डिप्लोमेटिक एजेंट को ऐसा लगता है, जो सेंडिंग कंट्रीज को लगता है कि इनकंसिस्टेंट है जो भी एक्टिविटी कर रहा है, फिर रिसीविंग स्टेट को लगता है, तो उसके पासपोर्ट जो है उसको वापस दे दिए जाते हैं, और बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए इस कंट्री से। तो ऐसे ही ये जो है डिप्लोमेटिक एजेंट की, यहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन जो है, डिप्लोमेटिक एजेंट का जो राइट्स है, इम्यूनिटीज है, प्रिविलेज है, वो खत्म हो जाते हैं। फिर इनके कुछ राइट होते हैं कि ये राइट टू रिलीजन, राइट टू कम्युनिकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड स्टाफ, गवर्नमेंट कंट्रोल द स्टाफ एंड एम्बेसी। तो ये सारे इनके फ्रीडम होती है, डिप्लोमेटिक एजेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके पास राइट है, इधर से वो मूव कर सकते हैं, वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, वो फ्रीडम है उनके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और वो अपने जो मैनेजमेंट है एम्बेसी उसको कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्लोमेटिक एजेंट। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।